हेडलाइंस के बाद रुख करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के सभी नागरिकों को जश्न मनाने का अधिकार है, लेकिन परंपरा का निर्वहन करना भी बहुत जरूरी है। कमलनाथ संकल्प लें कि उनके भाषण में राजनीति ना हो, भाषण में भारत माँ का जयकारा करें, नेहरू का जयकारा नहीं। इसके अलावा दिग्विजय के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के मामले पर उन्होंने कहा कि दिग्विजय को बाढ़ और बाढ़ पीड़ितों से मतलब ही नहीं है, राजनीति करने से मतलब है। ये कि आजादी की वर्षगांठ हम सब प्रफुल्लित होकर आनंद के साथ मनाए, पर संकल्प भी तो हो। कमलनाथ जी को यह जरूर बताना पड़ेगा कि 40-45 साल के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने भारत माँ का जयकारा गूंज सके उसके लिए क्या कुछ किया है। उन्हें यह जरूर बताना चाहिए कि केवल नेहरू परिवार के जयकारे लगा लगा कर राजनीतिक क्षितिज पर पूरी ताकत के साथ रहने वाले कमलनाथ जी ने भारत माँ के जयकारा के लिए क्या कुछ किया। देखिए, पहले भी मैंने कहा था, दिग्विजय सिंह जी छटपटा रहे हैं, वो कमलनाथ से राजनीतिक द्वंद्वता रखते हैं, प्रतिस्पर्धा रखते हैं। दिग्विजय सिंह जी को बाढ़ से, बाढ़ पीड़ितों से और राहत से मतलब नहीं है, उन्हें तो राजनीति चलानी है और उनकी राजनीति पूरी तरह से बंद हो गई है। अब कमलनाथ जी ने जब हवाई दौरा किया है तो फिर दिग्विजय सिंह जी पेशे क्यों रह जाए। उनको लगता है कि जब 75 साल की उम्र में कमलनाथ जी प्रदेश के अध्यक्ष हो सकते हैं तो 75 साल की उम्र में वो क्यों नहीं अध्यक्ष बन सकते। ये कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस की गिरोहबाजी है, ना बाढ़ से मतलब है ना बाढ़ पीड़ितों से मतलब।